हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कॉरपोरेट कार्यालय की तरह बनेगा राजस्थान भाजपा मुख्यालय। जयपुर विधानसभा चुनाव की घोषणा में अभी करीब 2 माह का वक्त बाकी है, किंतु प्रदेश भाजपा मुख्यालय अभी से सियासत का अखाड़ा बनाता जा रहा है। बीते दिनों एक ही विधानसभा क्षेत्र से आने वाले 2 नेताओं के समर्थकों द्वारा हाथापाई की नौबत ने पार्टी मुख्यालय को अवैध किला बनाने का फैसला किया है। पार्टी कार्यालय में कई बड़े परिवर्तन किए जा रहे हैं। सबसे पहले शहर कार्यालय को हटा दिया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश मुख्यालय के करीब आधा किलोमीटर पीछे ही शहर कार्यालय खोल दिया गया है। शहर भाजपा कार्यालय की जगह अब रिसेप्शन बनाए जाने की कवायद चल रही है, जहां से पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की एंट्री होगी। यहीं से आमजन को अंदर जाने या नहीं जाने दिए जाने का फैसला किया जाएगा। इसी जगह पर सभी के नाम, नंबर, पते सहित जिस काम से आए हैं उसका ब्यौरा और मिलने वाले नेता के नाम लिखे जाएंगे। यहां तक कि अब मीडिया की भी यहां पर एंट्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। पार्टी के बड़े नेता, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, सरीखे नेताओं की गाड़ियां ही कार्यालय के मुख्यालय से मेन गेट से प्रवेश कर पाएगी। अभी तक भाजपा कार्यालय में चल रहा मीडिया सेंटर भी अब यहां से शिफ्ट किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसकी कवायद के रूप में प्रदेश मुख्यालय से करीब 1 किलोमीटर दूर जगह चिन्हित किया गया है। यहीं पर पत्रकार बैठ सकेंगे। जब भी किसी नेता को मीडिया से मुखातिब होना होगा तो वह यहीं पर आएंगे। हालांकि बड़े नेताओं की प्रेस वार्ता पार्टी मुख्यालय में ही होगी, जहां पर प्रवेश केवल आमंत्रण पर ही दिया जाएगा। भाजपा सूत्रों के अनुसार कई मोर्चा कार्यालय भी यहां से हटाए जाएंगे, जिनके लिए बात चल रही है। कहा जा सकता है कि यह प्रदेश कार्यालय अब पूरी तरह से प्रदेश स्तर के कार्यों के लिए ही प्रयोग लिया जाएगा। यहां पर करीब 1 दर्जन मोर्चा कार्यालय संचालित हो रहे हैं। जयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।